कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच कल रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने देश को फिर संबोधित किया। इस संबोधन के पहले ही पूर्ण लॉकडाउन के कयास लगाए जा रहे थे और हुआ भी वैसा ही। रात 8 बजे पीएम मोदी ने 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा कर दी। भारत में 25 मार्च से 3 हफ्तों के लिए लॉकडाउन रहेगा। इस बीच सरकार ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान जरूरी चीजों की आपूर्ति जारी रहेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मैं समस्त देशवासियों को आश्वस्त करता हूं कि लॉकडाउन के समय देश में आवश्यक चीजों की कोई कमी नहीं होगी। वहीं उत्तर प्रदेश ने लॉकडाउन के तहत बड़ा फैसला किया है। लोग घरों से ना निकले, इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों के घरों तक दूध, सब्जी और जरूरी चीजों को पहुंचाए जाने का ऐलान किया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी लॉकडाउन के दौरान जरूरी सामानों की आपूर्ति का आश्वासन दिया है। लॉकडाउन पर रोज कोई ना कोई नया आदेश लाने वाले अरविंद केजरीवाल कहां पीछे रहने वाले थे। लॉकडाउन को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, पीएम मोदी की ओर से घोषित 21 दिनों का देशव्यापी लॉकडाउन कोरोना को फैलने से रोकने के लिए बेहद जरूरी है। वहीं अगले 3 हफ्ते जरूरी चीजों की सप्लाई में कोई कमी नहीं होने देंगे। मदर डेयरी का कहना है कि मदर डेयरी के फल और सब्जियों की इकाई सफल में भी आपूर्ति जारी रहेगी। मदर डेयरी ने दिल्ली NCR में 400 बूथों पर कल सुबह 6 बजे से आपूर्ति का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही मदर डेयरी ने दूध के बूथों को खोले रखने की बात कही है। बता दें कि देश में लगातार कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। अब तक भारत में 550 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं कोरोना वायरस के कारण भारत में 10 लोगों की मौत भी हो चुकी है।